हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको हम कोर्स चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी दे दिया, उसके पश्चात आपको प्रश्न उत्तर लिखा दिया। आपसे उम्मीद है कि आप प्रश्न उत्तर काफी में लिख भी होंगे और उसको याद करते होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास में फाइव चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और फाइव चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हमारे चारों ओर होने वाला परिवर्तन, यानी हमारे चारों ओर होने वाले क्या परिवर्तन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चेंज अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर में जो परिवर्तन हो रहा है तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चेंज अराउंड अस। चलिए बच्चों, थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करते हैं क्या है। आप जानते हैं हमारे वातावरण में भिन्न-भिन्न प्रकार की क्या है बच्चों, जो हमारा वायुमंडल है भिन्न-भिन्न प्रकार की गैसों से भरा हुआ है और उसमें जो क्रियाएं होती हैं वह दोनों होती हैं, स्वतः भी होती हैं और अस्वतः भी होती हैं। तो प्रकृति में ये प्रकृति जो चारों तरफ का हमारा वातावरण है प्रकृति, और इसके अंदर जो घटनाएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों? प्राकृतिक। तो प्रकृति की बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है। दैनिक जीवन में हम कई परिवर्तनों को देखते हैं, अपने घर में, स्कूल में, रसोई में, खेल के मैदान में, अन्य स्थानों में देखते हैं। बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छिपता है, रात का आरंभ होता है, गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, दूध भी एक दूसरे से परिवर्तित होता है। आप जानते हैं दूध से दही बनना, यानी दूध से दही में जम जाता है, जल का उबलना, बीजों का अंकुरण, यानी बीज जो होते हैं वह अंकुरित होकर के एक नए बीज का पुनः जन्म दे देते हैं। इसी के साथ साथ फल का पकना, लोहे की कील का जंग लगना, ये सब क्या है? परिवर्तन है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो रहा है बच्चों? परिवर्तन हो रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे चेंज अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर जो होने वाला परिवर्तन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लकड़ी का जलना, रात में परिवर्तन होना और दिन का रात में बदलना, रात का दिन में बदलना, नवजात शिशुओं का वयस्क होना, ये क्या है? एक प्रकार का तो परिवर्तन है। नवजात छोटा रहता है, धीरे धीरे वो वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। देखिए परिवर्तन है क्या, परिवर्तन के कारण और प्रभाव। हमारे चारों ओर की वस्तुएं सभी परिवर्तन करते हैं। ये सभी परिवर्तन हमें इनके कारण प्रभाव को समझते हैं, यानी इनके कारण और प्रभाव के बारे में समझा जाता है, उसके बारे में यह जानकारी दिया जाता है, इसके प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तन को देख पाते हैं। यह परिवर्तन आकार, आकृति, रंग, स्थित, चार प्रकार के हैं। आकार हो गया जो परिवर्तन होता है, आकार, रंग, स्थिति और आकृति। आकार हो गया, रंग हो गया, स्थित हो गई, आकृति भी है हमारे पास यहाँ पे, आकृति यानी उसकी संरचना की प्रकार से होती है। ठीक है बच्चों, आकृति हो गई, आकार हो गया, रंग हो गया, स्थित हो गई, आदि के रूप में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तनों के अध्ययन से हम परिवर्तन द्वारा होने वाले अवांछनीय प्रभावों को दूर कर सकते हैं। परिवर्तनों के विषय में जानने के लिए कुछ वर्गीकरण किया जाता है, तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस यानी वर्गीकरण पढ़ाना है। परिवर्तनों का वर्गीकरण क्या होता है? तो परिवर्तनों के वर्गीकरण में बताया जाता है कि सभी परिवर्तन समान प्रकार के नहीं होते, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। यानी सभी जो परिवर्तन होगा एक समान नहीं होगा, बल्कि वह क्या होगा बच्चों? अलग अलग होता है। नवजात शिशु क्रमशः वृद्धि के रूप में वृद्धि करता है। आप बुक में देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, आपका फाइव चैप्टर में
इस पेज में आप पहले बालक जो होता है नवजात आता है, सिर्फ छोटा, फिर धीरे बड़ा, फिर बड़ा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता चला जाता है। और जो नवजात शिशु होता है वह वयस्क रूप में क्या होता है बच्चों, परिवर्तित हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन होता है। हम इसके परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक परिवर्तन क्या होगा। प्राकृतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक परिवर्तन को नेचुरल चेंज बोला जाता है। नेचुरल चेंज क्या होता है, वे परिवर्तन जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उससे नहीं, अपने से नहीं, वे परिवर्तन जो प्रकृति के द्वारा परिवर्तित होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। दिन तथा रात्रि में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, वर्षा गर्मी, पौधों का बढ़ना, शिशु का वृद्धि में परिवर्तन होना, तो ये जो परिवर्तन होते हैं बच्चों, पहला पॉइंट जो होता है पौधों में वृद्धि। पौधों में क्या हो गई, हम रोक लेंगे, कितने भी कोशिश करेंगे पौधा तो रुको, ऊपर न बच जाओ वो, लेकिन वो मानने के तैयार नहीं है, वो प्राकृतिक परिवर्तन है। धीरे 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 वृद्धि पर क्या होता है बच्चों, वृद्धि करता जाता है, एक छोटा सा पौधा बढ़ जाता है। और हम कितने भी कोशिश करेंगे बारिश मत हो, बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन बारिश होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्षा। यानी क्या होगा बच्चों, वर्षा। वर्षा को हम कितना भी कोशिश करें रुक जाए तो नहीं होगा। दिन और रात का होना, यानी दिन और रात, यानी दिन से रात हो जाती है, रात से दिन हो जाता है, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन कहा जाए, दिन तथा रात में परिवर्तन, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। आप चाहिए कि रात हो जाए चाहे दिन हो जाती है, होने वाला रहे हैं, ये सब क्या होते हैं बच्चों, परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। मौसम में परिवर्तन, गर्मी में परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, मौसम किस प्रकार का है वह प्राकृतिक परिवर्तन के आधार पर देखा जाता है। शिशु का वृद्धि में परिवर्तन, यानी पौधों की लंबाई, शिशु के वृद्धि का परिवर्तन, ये क्या होते हैं बच्चों, ये सब क्या होता है, नेचुरल चेंज होता है। नेचुरल चेंज को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक के माध्यम से जो होता है उसको होना हमें देते हैं। यानी वह पदार्थ या वह परिवर्तन जो प्रकृति के अंदर जो घटनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक परिवर्तन। प्रकृति के अंदर होने वाली घटना को प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाता है। प्रकृति क्या है बच्चों, हमारे चारों ओर का वातावरण। आपका मकान बना हुआ तो मकान जैसा बना है उसी तरह बना रह जाएगा। आपके बगल में मकान के जिस क्रम में वृक्ष कोई लगा हुआ है तो वृक्ष में क्या होगा बच्चों, मकान जीव का जीव बना रहेगा, लेकिन बगल में जो वृक्ष बना हुआ है वृक्ष उससे ऊपर चला जाएगा, बढ़ जाएगा। एक प्रकार क्या है, परिवर्तन ही तो है, प्राकृतिक परिवर्तन है यहाँ पे, ठीक है। पौधों की वृद्धि का बढ़ना, इनका पौधों की वृद्धि होगा, वर्षा दिन रात में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, इसके साथ नवजात शिशु में परिवर्तन, नवजात शिशु से वयस्क बन जाता है, ये सब क्या है, प्राकृतिक परिवर्तन। याद रखिएगा परिभाषा कैसे लिखेंगे, कि वे परिवर्तन जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, और प्रकृति के अंदर जो घटना होती है उसी को तो प्राकृतिक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट होता है मैन-मेड चेंज, यानी मानव निर्मित परिवर्तन। मानव निर्मित परिवर्तन क्या होगा बच्चों, इसको पढ़ देखिए, मानव निर्मित परिवर्तन। मैन-मेड चेंज क्या होता है, मैन-मेड चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, जो मनुष्य के द्वारा परिवर्तन होता है, मनुष्य अपने अनुसार परिवर्तित करता है, वे परिवर्तन जो मानव द्वारा उत्पन्न होते हैं मानव निर्मित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दही का बढ़ना, वे परिवर्तन जो मनुष्य के द्वारा होता है, डेफिनेशन, वे परिवर्तन जो
मानव द्वारा होता है। वे परिवर्तन जो मानव द्वारा होता है उसे मानव निर्मित परिवर्तन कहा जाता है। मानव निर्मित परिवर्तन कहा जाता है। इसका जो उदाहरण लेंगे, दही का बनना, भोजन का बनना, जो इसका उदाहरण होगा बच्चों, ये क्या होते हैं? उदाहरण ही बताया गया है, एग्जांपल है। दूध से दही का बनना भोजन का बनना मतलब आना चाहिए, भोजन किसी कोई भी हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है, तो भोजन का बनना, आइसक्रीम का बनना, ईंधन का जलना, ईंधन का जलना आदि, ये सब क्या होते हैं बच्चों? मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो मनुष्य के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है उसे मनुष्य मानव निर्मित परिवर्तन कहा जाता है। फिर बच्चों समझ में आ गया, मंद तथा तीव्र परिवर्तन, स्लो एंड फास्ट परिवर्तन के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो इसके बारे में क्या होता है, स्लो एंड फास्ट क्या होता है? कुछ परिवर्तन धीरे होते हैं और कुछ परिवर्तन तीव्र से होते हैं, तो उनके बारे में भी अध्ययन कर लिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं स्लो एंड फास्ट। चेक, वे परिवर्तन जो लंबे समय से या वे परिवर्तन जो लंबे समय में पूर्ण होते हैं मंद परिवर्तन कहा जाता है। स्लो, क्या बताया गया? वे परिवर्तन जो एक लंबे समय में पूर्ण होते हैं उसे क्या बोला जाता है बच्चों? मंद परिवर्तन। ठीक है, वे परिवर्तन जो लंबे समय में क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, वे परिवर्तन जो लंबे समय में पूर्ण होते हैं मन परिवर्तन कहा जाता है। यानी उसे क्या कहा जाता है बच्चों? मन परिवर्तन कहा जा सकता है। और मन परिवर्तन कैसे होते हैं? मन परिवर्तन में होने वाले कई घंटे क्या बताया गया है? घंटे, कई घंटे समय ले लेते हैं, कई दिन, यानी कई घंटे समय ले सकते हैं, दिन, महीने अथवा वर्ष भी लग सकते हैं, कई दिन, महीने, वर्ष भी लग सकते हैं। याद रखिएगा, जो मंद परिवर्तन होता है, जो तुरंत आप दूध से दही का बनना, आपको ये पता गया कि आज दो घंटे पहले रखे हैं, चार पांच घंटे बाद पता चल जाता है क्या दूध से दही में चल जाता है, वो आपका हो गया। कई दिन भी लग सकता है, कई महीने भी लग सकता है, कई वर्ष भी लग सकता है। आप जल लोहे में जाना जानते होंगे, आप चाहें कि आज कह देंगे जंग लग जाओ, उसमें जंग लग जाएगा क्या? नहीं, ये क्या होगा, धीरे धीरे जंग लगना शुरू होता है। तो जंग लगना क्या होगा, कई महीनों दिनों में जंग लग सकता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल है बीज का अंकुरण, अंकुरित पौधे से पौधों का बनना, पौधों पर फलों का पकना, लोहे पर जंग लगना, मौसम में परिवर्तन, बच्चे का वयस्क होना, चट्टानों के क्षय होने में शताब्दियां लग जाती हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है। देखिए उन्होंने एग्जाम्पल बताया है,
बीजों का अंकुरण, आप चाहे आज कह दीजिए बीज एग्जाम आए तो तुरंत हो जाता है, नहीं, यानी बीजों का अंकुरण हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हैं बीजों का अंकुरण और फलों का पकना। उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, बीजों का अंकुरण फलों का पकना, बीजों का अंकुरण फलों का पकना, लोहे पर जंग लगना, मौसम में परिवर्तन, जगाना, मौसम में परिवर्तन। आगा से एक देखिए समय लग रहा है इसमें बीजों का अंकुरण, यानी बीज में अंकुरण होगा तो तुरंत दो दिन के अंदर नहीं हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, एक दो दिन का अंकुरण जरूर से चाहिए पानी। फलों का पकना, फल भी इतना जल्दी आसानी से नहीं पक जाते हैं, दो चार घंटे पांच घंटे का समय लेते हैं। पौधों में जंग लगना, पर लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग जब लगेगा तो तुरंत नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, मौसम में परिवर्तन इतना आसान नहीं है। तो कहने का चाहिए कि क्या होते हैं बच्चों, फ्लो चेंज हो जाता है, यानी कि मंद परिवर्तन होते हैं, मंद परिवर्तन के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। अब बात करते हैं फास्ट चेंज यानी तीव्र परिवर्तन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि आपको इसकी पिक चाहिए तो मैं आपको पिक दे दूंगा और आप अध्ययन कर लेंगे। आगे बात करते हैं फ्लो चेंज की, बात यहाँ पे फास्ट चेंज हो जाएगा। वेग परिवर्तन जो तुरंत एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या बताया जाता है, फास्ट चेंज यानी तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन बहुत तीव्रता से होता है, तेज परिवर्तन सेकंड अथवा मिनटों में हो जाते हैं। ये परिवर्तन बहुत ही तीव्र, ये परिवर्तन बहुत ही तीव्र होते हैं। परिवर्तित होने में अल्प समय लेते हैं, परिवर्तन होने में सेकंड अथवा मिनटों, सेकंड अथवा मिनटों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तीव्र परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप बच्चे जानते हैं इसको, पूर्ण चंद्रमा देखे होंगे, देखे कैसा, उसको तो हम बताते हैं। बर्फ का जल में परिवर्तन, पटाखों का फटना, उदाहरण पहले आप देखिए, पटाखों का जलना किस प्रकार से जलता है आप तो जानते हैं, पटाखों का फटना। ये बहुत ही तीव्र परिवर्तन, पटाखा तुरंत क्या होता है बच्चों, फटना शुरू हो जाता है। माचिस का जलना, कांच का टूटना, माचिस का जलना, कांच का टूटना, इसके बाद बर्फ का जल में परिवर्तन होना,
गर्क का बर्फ का जल में परिवर्तन होना, ठीक है, गुब्बारे का फूटना, ठीक है बच्चों, पटाखों का फटना, देखिए पटाखा अगर उसमें आग लगते तुरंत फट जाता है, फट जाता है। माचिस का जलना, माचिस लाते हैं तो तुरंत जलने लगती है। कांच का टूटना, आप अगर ऐसे गिराते हैं तो निश्चित रूप से कांच गिरेगा, टूटना तय है, टूटना तय है। बर्फ का जल में परिवर्तन, ये भी आप देख चुके हैं। गुब्बारे का फूटना, ये भी आप जानते हैं। ये सब क्या होते हैं बच्चों, तीव्र परिवर्तन होता है। इसमें आप यह भी जानते होंगे कि चंद्रमा की चंद्रकलाएं, मतलब जिस दिन आपको क्या होगा पूर्णिमा की चंद्र होगी, उस दिन आपको वो चंद्रमा क्या होगी पूरी ओपन रहती है। इसके बाद धीरे 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 वो क्या होगा 15वें दिन पुनः परिवर्तित होता है। मतलब कहना चाहिए कि अगर ये जिस दिन पूर्ण चंद्र आपको देखने को मिलता है तो कहते हैं पूर्णिमा है। क्या है? पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा है, चंद्रग्रहण है, चंद्रमा है। और इस प्रकार से क्या होता है आपको देखने को चंद्रमा देखने को मिल जाता है। अब धीरे धीरे क्या होगा इसको यहाँ ढकना शुरू हो जाता है। मतलब कहना चाहिए कि ये पूरी तरह से ढक जाएगा और ऐसा नहीं, ये पूरी तरह से यहाँ ढकना शुरू हो जाएगा और ये 9वें दिन 9 चंद्र प्रकट होते हैं और धीरे 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 ये चंद्र पूरे 14वें 15वें दिन तक पूरी तरह से पूर्ण हो जाते हैं। जब पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा पूरी ये चंद्रमा जो होती है पूरी काली दिखने लगती है और उस दिन अंधेरी रात आती है और उसी को कहते हैं आज अमावस्या की रात है। मतलब कहना चाहिए ये जो हमारा पूर्ण चंद्रमा दिख रहा था हमारे 15वें दिन क्या हो गया पुनः अंधेरी रात में आ गया और अमावस्या की रात आ गई। इसके बाद पुनः धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। अब घटते 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 पूरा तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये घट जाएगा तो लास्ट में पुनः वही पूर्णिमा की दाना पूर्णिमा की रात आ जाएगी। तो हर महीने में आपको पूर्णिमा देखने को मिलती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो पूर्ण चंद्रमा देखे होंगे, अर्धाधिक चंद्र देखे होंगे, अर्ध चंद्र देखता है, फिर बाल चंद्र देखने को मिलता है। बाल चंद्र जैसे मिल जाता है तो उसके बाद अमावस्या की रात आती है और अमावस्या के दिन पूरा क्या होगा बच्चों, पूरी ब्लैक रहेगी, अंधेरी रात रहेगी। इसके बाद बाल चंद्र धीरे धीरे पुनः देखने को मिलेंगे आपको, बाल चंद्र, अर्ध चंद्र और अर्धाधिक चंद्र और पूर्ण चंद्र आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका रहा तीव्र परिवर्तन, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम आपको ऐच्छिक और अनैच्छिक, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंज के बारे में बताएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो बच्चों ये आज का परिवर्तन आपको कैसा लगा, समझ गए होंगे, बन जाएगा रहा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। इसकी प्रक्रिया आप देखने को मिल जाएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।